ये देखो गाइस, ये है रात का व्यू। बोला था मैंने कि अंदर से दिखाता हूँ, तो ये देखो रात के टाइम पे कुछ ये विला ना ऐसा दिखता है। और यहाँ हम लोग ना अभी ठहरे हुए हैं। सर को ठंडी नहीं, मुझे लगता है सर को ठंडी नहीं लग रही है। मजा आ रहा है ये मुंबई में नहीं मिलता है, यहाँ पे है मॉडरेट ठंडी है, यूपी से तो बहुत कम है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एम के फुल मस्ती। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मुझे अब्राहम साहब बुलाए थे मिलने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं काफ़ी टाइम बाद तो अभी टाइम निकाला हूँ, अब जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और हम लोग ना एक प्लेस पे जाने वाले हैं, कौन सी प्लेस है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, अभी मेरे साथ में अब्राहम सर हैं और मैं उनसे फाइनली मिल गया हूँ। तो ये अब्राहम सर, हाय, कैसे हो सर? बस बढ़िया है, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन मिलने का मजा थोड़ा अच्छा है काफी जो तो रोज रोज मिलने में जो चलते मजा नहीं आता है, वो काफी टाइम बाद मिलेंगे तो कितना मजा आता है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ। और आज भी मजा करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मुझसे गलती हो गई गाइस, वो क्या है ना, मैंने ऋषि को हम लोग को प्रैंक करना चाहिए था, मैंने उसको बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। पिछले टाइम मैंने हम लोगों ने क्या किया था, सरप्राइज दिए थे, जो कि शौक में आ गया था बंदा। बहुत बढ़िया सरप्राइज था ये बार हम तो करने का सोच रहे थे, बट नहीं, दिमाग में बता दिए पहले, दिमाग में नहीं था और मैंने बता दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, नहीं बताया होता तो सही रहता था। फिर भी आज मजा करेंगे, कुछ अलग देखने मिलेगा आप लोगों को, ये जरूर उम्मीद है हमारे। ओके, कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट है अपना, लंच है? लंच का टाइम हुआ नहीं है, ब्रेकफास्ट ही है। तो चलो चलते हैं, काफी दूर जाना है अभी। बैठे बैठे हालत खराब हो गई थी, तो अभी ये रेस्टोरेंट में आए हुए, फिर उसके बाद वापस से निकलेंगे। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आए हुए और ये हम लोग ना टी चल रही है, टी और यहाँ का टी बहुत बढ़िया होता है। ये है पनवेल हाईवे में, वेलकम रेस्टोरेंट, कभी मिस मत करना। हाँ, इससे यहाँ का कबाब और चाय और बन मस्त, कभी मिस मत करना। हम लोग नया भी ट्राई किया था, वो शेखर फालूदा, केसर फालूदा, केसर फालूदा। पिछले बार हम लोग भाई ने ट्राई किए थे, एक नंबर था, बहुत बढ़िया था। और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बनता है, तो हम हमेशा यहाँ पे आते, तीन साल से आ रहे हैं। और अभी मैं टी ट्राई कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चाय। और उपेश भाई भी काफ़ी आगे अलग हो गए। तो ये हम लोग पहला स्टॉप था, दूसरा स्टॉप के लिए हम लोग ना लंच करेंगे, वो दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ पर, अभी टाइम है क्योंकि। और भाई जब मेरे साथ रहेंगे तो आपको फूड के बहुत नॉलेज मिलेंगे, क्योंकि हम घूमते रहते हैं कोल्हापुर, चिकलूर, पूरा इंडिया घूमते हैं, गाड़ी में घूमते घूमने लगे रहते हैं। तो ये आइडिया, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं जब भाई के साथ रहेंगे। तो चलो, मेरी टी ठंडी हो जाएगी तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ और फिर अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। भाई सब लोग टी पी के हो गए और अभी हम लोग वापस से निकल गए। मुझे ट्रैवल का बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ रहा है और फील मुझे गांव की आ रही है सर, भैया देखो ऐसा लग रहा है ना गांव आया हूँ। पतली सड़क है और हर जगह हरियाली है, तो मुझे गांव का फीलिंग यहाँ पर आ रहा है। और सर के साथ में जो ट्रैवल करके ना बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ रहा है। हाँ, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, बोले ना कि हम लोगों ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत टाइम बाद मिल गया। और ये देखो, जहाँ भी देख लो सब है ना हरियाली है,
तो गांव की फीलिंग तो आई रही है। सो गाइस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं आनंदवन रेस्टोरेंट। अब हम लोग लंच करने का टाइम हो गया है, क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ना दूर आ गए हैं, तो अभी हम लोग भूख लगी है और हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो अब हम लोग चल के करेंगे लंच। चलो अब चल के करेंगे लंच। अब लंच का टाइम हो गया है और जर्नी का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो चलो काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया ना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, और अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है क्या ना, मुझे ना ट्रैवल करना बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करके। तो अभी चल के ना लंच करेंगे और फिर वापस से निकलेंगे। लंच आ चुका है और लंच में आपको मैंने बताया था आनंदवन जाएंगे हम लोग, खुद को लंच करेंगे। हाँ, ये है अलीबाग के अंदर के रोड पे, श्री वड़े वाले के थोड़ा आगे, जोशी वड़े वाले के थोड़ा आगे टूवर्ड्स अलीबाग में आपका राइट साइड में आएगा। वेरी गुड फूड, एकदम गांव के पद्धति से बनाते हैं। ऐसे लग रहा है गोवा में, मुझे गोवा कैसे लग रहा है, पूरा फील तो वही फील वही आ रहा है, फील वही आ रहा है। हाँ, तो खाना बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, और फिश मटन चिकन जो बोलो सब थाली सिस्टम है, इट्स ऑसम, सुपर ऑसम। हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है ये फिश है, फिश सर ने तो खाया, ये बोम्बिल फ्राई है, बोम्बिल फ्राई द क्रिस्पी एंड बाकी हम लोगों ने सबने मटन थाली लिया है, मटन खाने की इच्छा था, फिश खा के थोड़ा पक गए तो हम लोगों ने मटन लिया है। फिश के अलीबाग में क्या आप मिस नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए उसका एक फ्लेवर के लिए हम लोग ने ये ऐड किया हुआ है बोम्बिल फ्राई बॉम्बे डक। रुपये से ना हम लोग से बार बार दूरी हो जाते हैं तो रुपये से ना तो स्टार्ट कर देगा कैसा डेस है, अच्छा है ना। हाँ, तभी मैंने ट्राई किया ना, तभी मैं भी ट्राई करता हूँ, सर तो ट्राई करते कर लिया, वो तो बहुत भूख लगी थी, हमने स्टार्ट कर दिया, भाई को भूख नहीं लगी है शायद, बिरयानी मांग रहे, बिरयानी मांग रहे थे, यहाँ पे बिरयानी नहीं खाना कभी, यहाँ पे आपको ये स्टाइल खाना पड़ेगा, बिरयानी खाना है तो फिर वेलकम, वेलकम। जब वहाँ पे आए थे वेलकम, वहाँ पे आपको एकदम बढ़िया बिरयानी मिली। हाँ, यहाँ का बिरयानी थोड़ा सा आपको पता है जोरा, यही बिरयानी मेरे लिए, तो फिर अभी मैं ये सब ना ट्राई करूँगा, तो अभी ठंडा ना हो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यस, तो वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा ना बिरयानी बिरयानी जो कर रहा था ना, वाकई में मटन का भी टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा नमक डालना चाहिए, डाला तो बढ़िया हो गया, तो आप भी डाल के ट्राई कीजिए, बट कुछ अलग है, भाई को ज़्यादा बिरयानी कबाब ऐसा टाइप की चीज़ें पसंद है, बट यहाँ पे जब आप आ जाओगे अलीबाग में, जैसा गोवा में जाओगे तो थोड़ा अलग वहाँ का स्टाइल मिलता है, कोंकणी स्टाइल जैसा यहाँ पे महाराष्ट्र स्टाइल मिलता है, गोवा में ज़्यादा फिश है जिसमें आपको ज़्यादा फिश मिलेगा वहाँ पर, और ये जो फिश है बोम्बिल ये सब ऐसा नहीं बना पाते, इसको बनाने का भी कला है, ये जो क्रिस्पी है ना ये मैं क्या बताऊँ आपको, आवाज़ तो आएगा करूँ करूँ खाने के बाद और मज़ा आएगा, ये बात है इसमें, मैं दूसरा फिश खा रहा हूँ यार। सर अभी तक सिर्फ ना मैंने मटन में यू, मेरा फिश अभी मैं स्टार्ट करूँगा, अच्छा लग रहा है काफ़ी। सो गाइस हम लोग लंच भी हो गया है और हम लोग वापस से निकल गए हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ना अभी आप लोगों ना थोड़ा ना पता चल जाएगा, आप लोग भी सोच रहे हो कि ये ना आज इनके निकला किधर पे, तो अभी आप लोगों ना थोड़े टाइम में ना पता चलने वाला है, फिलहाल मैंने बता दिया कि सर से मिलने ही लाया था, और अभी हम लोग जा भी कहाँ रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। देखो हर तरफ है ना हरियाली है, और ऐसा फील हो रहा है मैं गांव में आया हूँ, ये देखो सब जगह हरियाली, तो ये सब देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस जितना ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोग भी उतने ही ना एंजॉय कर रहे हो ये ब्लॉग देख के, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, और धूप बहुत सॉलिड है, कड़क है, व्यू देखो व्यू
व्यू कितना अच्छा है, दूर तक यहाँ पर कुछ नहीं है, ना पीछे गाड़ी आगे गाड़ी, मतलब कुछ ट्रैफिक नहीं है और पतली सड़क है, जाने को भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इधर पे ना अभी भी देखो जो ये नदी में अभी भी ना लोग ना कपड़ा धुलते हैं, मतलब कि पुराने ख्याल काफ़ी अच्छा है। मैं फ्रेंड से दिखाता हूँ अभी वो, देखो वो आंटी लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपना भी कपड़ा धुलना चालू कर देंगे, एक हिसाब से ना धोबी घाट बोल सकते हो। और काफ़ी सुकून जगह है, दूर तक कोई नहीं है, अच्छा लग रहा है। पूरा गावटी केवल गावटी है देखो, वाओ व्यूज काफ़ी कमाल, अच्छा लग रहा है। हाँ अब लग रहा है कि मैं गांव आ चुका हूँ। और गाइस जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं आ गया हूँ, काफ़ी स्लोली स्लोली जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता उतना सही नहीं है। और अब आएगा मेन मज़ा, क्या रिसीव है, क्या हाल, एकदम बढ़िया। आपके सरप्राइज तो नहीं दे पाया क्योंकि पहले से मालूम पड़ गया। और देखो दूसरे से मिलो यहाँ पर, जैकी 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 जैकी, अरे पुची 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 पुची, ये देख लो अभी खोल लूँगा ना ये, अगर लोग बाहर निकाल देंगे ना तो गले पूरा मिल जाएगा, गले मिलेंगे गले। सो गाइस मेरे लिए ना बहुत बैड लक है मेरा कि मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का स्टोर है ना वो फुल हो गया है। और इसी भाई के से मैं ना वापस ना मिल गया हूँ, इससे पहले भी मैं मिला था, वो हम लोगों ने सरप्राइज़ दिए थे, अभी भी मुझे ना कुछ ना सरप्राइज़ देना था बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। और मुझे यहाँ पर यहाँ का ना व्यू दिखाना था, काफ़ी चीज़ें बताना था जो कि वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन का जो स्टोर है वो फुल हो गया है। और ये जैकी भी बहुत ज़्यादा ना परेशान है, काफ़ी टाइम बाद देख रहा था मुझे तो वो चिल्ला भी रहा है, जैसे भी ना खोल लेंगे ना तो वो ना देखो देखो कैसा मतलब मिल रहा था पक्का, अगर वो खोल दिया ना तो वो हक करने लगेगा, खोलूँगा नहीं क्योंकि अभी वो भीगा हुआ है। और क्या बोलो रिसीव आए इनमें, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ना ले लिया हूँ क्योंकि उतना मैं ना वीडियो नहीं कर पाऊँगा ना, समझ सकते हो मेरा स्टोर भर गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या बोलना चाहोगे, लाइक कर दो। A few moments later. Guys, देखो ये जो है ना सामने विला, इसमें मैं रुका हूँ और उसके बाजू में ये भी एक विला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया बंगला है, कुछ उसमें लाइट वगैरह कुछ आई नहीं। ऐसा दूर तक कोई भी ऐसा देख जहाँ भी देखूंगा ना मैं, एक मिनट देखो दूर तक देख लो वो सब आजू बाजू में विला ही है लेकिन सब भूतिया बंगला मुझे लग रहा है। एक यही है जिसमें ना इतनी ना लाइटिंग वगैरह है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अभी हम लोग मैं आपको ना अंदर से दिखाता हूँ। गाइस मुझे यहाँ का ना पूरा ना व्यू अच्छे से आप लोगों को दिखाना था, लेकिन मेरा बैड लक कि मैं अपना कैमरा लेके नहीं आया हूँ और उसके साथ साथ मेरे जो मोबाइल का ना स्टोर पूरा ना फुल हो गया है, नहीं तो मैं आपको ना यहाँ का पूरा ना अच्छे से ना व्यू दिखाता कमाल का था। बट कोई नहीं, कैसे कैसे करके तो मैंने ना काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ को ना डिलीट मारना पड़ा, थोड़ा बहुत तो जगह बन गया है तो मैं अभी ना शूट कर रहा हूँ। अभी हम लोग रात में घूमने के लिए गए थे, यहाँ पर ठंडी कितनी है, ठंडी 8 बज रहा है और पूरा ना एकदम सन्नाटा हो गया है, सारे शॉप ना बंद हो गए, बाहर घूमने निकले थे तो बहुत हम लोग मज़ा भी आया है और ठंडी बहुत है। और अभी हम लोग ना खाना अपना लेके आ गए, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, डिनर टाइम हो चुका है। और बस पगले रुलाओगे क्या तुम लोग, जब भी आता हो ना तो ये लोग को ना बस मिलना ही रहता है। बाकी मैं फिर भी ना आप लोगों ना ऊपर से ना व्यू दिखाऊंगा, फिलहाल अभी देख लो कुछ ऐसा है, दिन का व्यू देखते ना गाइस ऑसम था, बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। अभी तो रात का टाइम हो गया है इस वजह से मैं ना यहाँ पर कोई ना वीडियो ना शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ। और इधर पे बहुत ठंडी भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है। और हमारे जो सर है ना, सर एक मिनट लॉक हो गया, सर तो एकदम अच्छे से
सर को ठंडी नहीं, मुझे लगता है सर को ठंडी नहीं लग रही है, मजा आ रहा है ये मुंबई में नहीं मिलता है यहाँ पे मॉडरेट ठंडी है, यूपी से तो बहुत कम है। हाँ यूपी से कम है और यहाँ पर पूरा बंदोबस्त के साथ में कैरम भी साथ में है। कैरम अभी सब कैरम खेलेंगे, रात का मजा लेंगे, ठंडा ठंडा तो लग रहा है। हाँ उधर पे ये क्या दूसरा जो है चेस वगैरह है। तो अभी मैं ना थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो गाइस ठंडी तो मस्त लग रही है लेकिन व्यू भी देख लो काफी कमाल का है, लेकिन दिन में दिखाता ना गाइस मजा ही कुछ अलग था। ये देखो गाइस ये है रात का व्यू, बोला था मैंने कि अंदर से दिखाता हूँ, तो ये देखो रात के टाइम पे कुछ ये बिला ना ऐसा दिखता है। और यहाँ हम लोग ना भी ठहरे हुए हैं, और जो बाहर मैंने दिखाया था विला वो भी है, ये सब भी आजू बाजू ना रिजॉर्ट है लेकिन बंगला कम बहुत बंगला ज़्यादा दिख रहा है। दिन में मुझे काफ़ी कुछ दिखाना था लेकिन मेरा स्टोर भरने की वजह से मैं उतना कुछ ना वीडियो शूट नहीं कर पाया। और हम लोग अभी रात में भी निकले थे, गए थे बाहर घूमने के लिए, ठंडी तो बहुत है इधर पे, ठंडी का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ब्रो? ज्यादा ही ठंडी है। बाकी रात में अच्छा दिख रहा कड़क है। बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली। इसको तो मैं ये जब से देखो ये मेरे साथ में खेल रही थी, अब ये देखो भागेगी। इसका नाम क्या मालूम है? क्या नाम था सर? जेली चेरी ना, चेरी 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 अपने मस्त है। ये मेरे हाथ में आ जा, इतनी आसानी से नहीं आने वाली। पकड़ लिया खिला चेरी, इधर आओ चेरी, तुम आओ, तुमको छोड़ूंगा नहीं, चेरी को छोड़ूंगा नहीं मैं। चेरी आ तुम गई, आओ चेरी, चेरी तुम हाथ में आओ, तुमको नहीं केरी किया तब बताता हूँ मैं, तुम हाथ में आओ, तुमको नहीं केरी किया तब बताता हूँ मैं। ओ देखो वहां से वो तो चालू हो गए चेरी, इसको कंटिन्यू करो ना, उसको मैं पकड़ता हूँ, उसको मैं पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगी चेरी, चेरी आज तो हो जाएगी मेरी चेरी। ए चेरी तू नहीं आने वाली, मैं वहां से आता हूँ, रुक। चेरी तुमको तो मैं करूंगा, चेरी कहाँ गया? पकड़म पकड़ी कर रही है चेरी, चेरी हाथ में आ जाए, इज्जत से बोल जाओ चेरी, चेरी गया आगे, गया आगे चेरी, इतना कोई नहीं सताता जितना तुम सताते हो, मेरा चार है, चार है, सब ठीक हो जाएगा, वो फाइनली चेरी मिल गई। तो ये चेरी मेरे हाथ में आ गई है, बहुत मुझे दौड़ाया, बहुत सताया है, कुची 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 कुची, कितना क्यूट है देखो। चेरी मुझे बहुत परेशान करी है मेरे दिन में, हम लोगों ने काफ़ी ना ज़्यादा ना मस्ती किया है लेकिन मैंने शूट नहीं कर पाया था। छुपो नहीं, सबको देखो, बोलो हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय 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 करो, चेरी जब नहीं मारते हाय करो, हाय हाय। हम लोगों ने बहुत ना मस्ती किया है इधर पे, बहुत फन किया है लेकिन स्टोर मेरा भरने वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। और यहाँ पर इतनी ठंडी, हम लोग बाहर में ठंडी का मज़ा लेके आ गए। हाँ काफ़ी ज़्यादा दौड़ा दी इसने मेरे को। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहाँ पर मैं करता हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ एक बार एक और बात, आपको यहाँ का ना अगर अच्छे से ये काट बत, अगर आपको ना यहाँ का ना अच्छे से ना वीडियो से ना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसको देख लो ये देखो ठीक है। तो आप मतलब आप लोगों ने मुझे ना कमेंट में ना जरूर बताना, यहाँ का मैं ना पर्सनली एक अलग से पूरा ना
वीडियो शूट करूँगा अगर आप तुम मुझे बोलोगे तो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुझे दांत काटने गए बताता तेरे को। बाय बाय।